हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, ये अदानी ग्रुप का एक छोटा सा स्टॉक, आप इसको मानिए अदानी ग्रुप का। अभी अदानी एंटरप्राइजेस से अलग हुआ था ये स्टॉक, नाम है इसका अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, AGEL आप इसको कह सकते हो। ये स्टॉक जब अभी अलग हुआ था तो 30 के अराउंड ट्रेड कर रहा था, लेकिन अचानक इसमें इतनी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट, इतनी ज़बरदस्त बाइंग पावर देखी गई कि स्टॉक डबल से भी ऊपर चला गया अपने, मतलब 60 को 30 का डबल, 60 मानिए 60 से ऊपर भी 70 तक चला गया था ये स्टॉक अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। लेकिन कुछ टाइम से इसमें कुछ खास अच्छा नहीं चल रहा था, कोई बढ़िया न्यूज़ सी नहीं थी और ये स्टॉक काफ़ी गिरावट देखने को मिली है स्टॉक में। चलिए इसके बारे में बात करते हैं, क्या कुछ नया है इस अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब AGEL अदानी ग्रीन एनर्जी में ऐसा खास क्या है, सबसे पहले इसका करंट प्राइस देखते हैं। देखिए 45.40 रुपये का इसका प्राइस हो गया आज का ये प्राइस है, और NSE और BSE दोनों जगह पर लिस्टेड है, अदानी ग्रीन के नाम से आपको मिलेगा ये। अब देखते हैं न्यूज़ खास क्या है। अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को टेंडर मिला है 300 मेगावाट विंड जनरेशन प्रोजेक्ट का, तो बढ़िया न्यूज़ है अदानी ग्रीन एनर्जी के लिए भी, AGEL के लिए बढ़िया न्यूज़ है ये कि भैया 300 मेगावाट जनरेशन का विंड जनरेशन प्रोजेक्ट का टेंडर मिला है। अब देखिए ये टेंडर, अब ये कि जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप होगा, वो कनेक्टेड होगा एनीवेयर इन इंडिया और थ्रू इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ISTS से कनेक्टेड होगा वो प्रोजेक्ट। और दूसरा जो ये टेंडर है वो फ्लोट किसने किया, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे SECI कहते हैं, SECI, तो इसने ये टेंडर जो है फ्लोट किया था। और अब जो रेट, किस रेट पे बेचेगा पावर, वो पावर जो रेट है वो है 2.76 पर किलोवाट आवर का, 2.76 का रेट है और 25 साल तक के पीरियड के लिए। बहुत बढ़िया, मतलब जितना पावर ये 300 मेगावाट के हिसाब से जितनी इसकी कैपेसिटी आगे बनाते रहेगा 25 साल तक, तो इन्होंने फिक्स कर दिया भाई इस रेट पे ये बेचेगा। बहुत बढ़िया बात है ये तो। अब अच्छी न्यूज़ है अदानी के लिए, अदानी ग्रीन एनर्जी एक रिन्यूएबल जनरेशन, जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन इंडिया बहुत इस तरीके से देख रहा है कि जितना भी जितने ज़्यादा पावर जनरेशन कंपनीज हैं जो कि रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रही है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया है और अच्छी बात है ये। इंडिया के लिए भी अच्छी बात है, अदानी के लिए भी अच्छी बात है कि रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में, चाहे वो विंड एनर्जी चाहे सोलर एनर्जी हो, इन सब में बहुत बढ़िया तरीके से काम हो रहा है और ऐसी कंपनीज अच्छा काम कर रही है। आज अगर आप शेयर का प्राइस देखा जाए तो 5% एक बार जंप हुआ था ऑलमोस्ट जब ये टेंडर गया था, उसके बाद धीरे से जब मार्केट डाउन होती थी तो हल्का सा डाउन इसमें भी देखने को मिला। और एक नज़र मैं आपको इसके थोड़ा सा मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है वो बता दूं, अभी जो बाकी डिटेल्स आपको जो दिखेंगी वो आपको। देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,000 करोड़ के अराउंड की मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी स्प्लिट हुआ था, ये शेयर बुक वैल्यू 9 के अराउंड है इसकी। 52 वीक जो लो है वो 22.80 रुपये के अराउंड था, 73 रुपये, अभी 2 महीने में देखिए 22 से 73 तक पहुँच चुका है। आप खुद देखिए 22 से 73 का हाई इसने टच किया। आप ये देखिए इसके शेयर प्राइसिंग देखा जाए तो जब ये स्प्लिट ये अलग हुआ था अपनी पेरेंट कंपनी से तो 28 रुपये के अराउंड था, 28 रुपये से बढ़ के ये गया 33 रुपये तक गया, फिर नीचे गिरता ये 22.80 रुपये तक आ गया। अब अगर मैं इस लो से कंपेयर करूँ 22.80 रुपये से, तो 22 × 3 कर लीजिए, वो भी 66 होता है, तो ये 3 गुना से भी ऊपर ये मान के चलिए अपने लो से। पिछले जून में ये अलग हुआ था, तो जून से लेके अगस्त के मिड तक ये स्टॉक देखिए 3 गुना हो चुका था। अब देखिए जुलाई से लगा लीजिए, आप इसको जुलाई में 22 रुपये का था, 22 से सीधे गया ये 73 तक, तो आप किसी ने 1 लाख इन्वेस्ट किए तो कितने हो गए, 3 लाख हो चुके थे। लेकिन उसके बाद गिरावट देखिए, लगातार गिरावट देखने को मिले, थोड़ा सा ऊपर रिकवर करने की कोशिश की लेकिन फिर गिर गया। तो अभी भी टेंडर तो मिल गया इसको, तो अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है, एक वो जुड़ गया। लेकिन क्या इसके जो मेन फैक्टर्स हैं, मतलब जो सपोर्ट जोन्स है, मुझे तो लगता है भाई अभी भी गिरावट आ सकती है इसमें। हाँ अच्छी न्यूज़ ज़रूर है, अभी भी गिरावट आ सकती है। और इमीडिएट सपोर्ट कहाँ पे दिखता है, सपोर्ट दिखता है 32, 32.5, 33 के अराउंड का सपोर्ट दिखता है। और अगर इस लेवल पे आ जाए जो इसके पुराना लेवल था 22-25 रुपये का लेवल था, भाई या भर लेना इसको, अगर इन लेवल्स पे ये गिर के दिखाई देना लगा आपको तो भर लेना। वैसे तो 32 के अराउंड भी अच्छी बात है, और अभी तो थोड़ा सा ये है कि टेंडर मिला अच्छी न्यूज़ है, लेकिन मार्केट की जो चाल है वो नीचे है, तो डेफिनेटली चाल के हिसाब से अगर आप भरना चाहते हो इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से, तो थोड़ा सस्ते में मिले तो और बढ़िया है ना, ये चीज़ देखिए, थोड़ा सस्ते में मिले तो और बढ़िया है। मार्केट में बार्गेनिंग चलती रहती है, थोड़ा सस्ते में अगर नहीं मिले तो ठीक है भाई, इतनी क्या वो है, और बढ़िया स्टॉक
बॉक्स देखिए, ये है अगर मिल जाए तो बढ़िया भाई, इन लेवल्स पे थोड़ा सस्ते में मिल जाए तो भर लेंगे, हम भी भर लेंगे, यही वाली बात होनी चाहिए। और आगे चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करते हैं। स्टॉक्स बहुत दमदार है, ऐसा नहीं है कि छोड़ दो इसको, स्टॉक बहुत दमदार है। शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स का देखिए 86.58% की होल्डिंग इसमें अभी भी बनी हुई है, और कुछ टाइम बाद ऐसा होगा कि प्रमोटर्स को अपना स्टेक भी डाइल्यूट करना पड़ सकता है, तो बड़े बड़े इन्वेस्टर आएंगे तो स्टॉक का प्राइस उस टाइम पर भी बढ़ेगा। और 1.99% की जो है शेयर्स हैं वो गिरवी रखे हुए हैं, ये भी ध्यान दीजिए। प्रमोटर जो हाईएस्ट होल्डिंग के साथ है वो अदानी ट्रेडिंग सर्विसेज एलएलपी है, 34% का ऑलमोस्ट का इसका शेयर है। और प्रमोटर जो पब्लिक शेयर होल्डर है वो है एलआरआई इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड लिमिटेड 2.86% की। अब देखिए अभी स्प्लिट हुआ, अब देखिए कितने एफआईआई ने इसमें जोड़ डाल दिया, 123 एफआईआई ने 10.9 ऑलमोस्ट 11% का होल्डिंग बना ली इसमें, देख लीजिए आप। और AGEL बहुत टाइम से कुछ न्यूज़ नहीं आ रही थी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में, और स्टॉक गिरावट देखने को मिल रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे थे वो ढूंढ रहे थे कि भाई क्या हो गया स्टॉक में इतना गिरावट, 73 भैया एकदम ऊपर चढ़ेगा तो थोड़ा तो नीचे झुकना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी अच्छा स्टॉक हो अगर एकदम बिल्कुल ऊपर चढ़ता तो नीचे तो झुकना ही पड़ता, वही इसके साथ भी हुआ, थोड़ा नीचे गिरावट देखने को मिली है। अब ये अच्छी न्यूज़ है, उम्मीद करते हैं इस न्यूज़ के बाद जो है थोड़ा सा उछाल देखने को मिलेगा। अच्छी न्यूज़ है, 300 मेगावाट कम नहीं होता पावर जो टेंडर मिला है और रेट भी जो डिसाइड हुआ है, अच्छी बात। और अगले 25 साल तक के लिए क्या क्या काम मिल गया अगले 25 साल तक के लिए सीधे। और वीडियो अच्छा लगा है आपको तो वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसी न्यूज़ जो है इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके फ्रेंड्स को भी पता होनी चाहिए, और अवेयर कीजिए। अगर एक अवेयरनेस के लिए मैं ये कहूँगा, अगर आपके फ्रेंड्स लोग जो भी हैं, आप जिस ग्रुप में हो, अगर शेयर मार्केट के बारे में अवेयर नहीं रहते तो थोड़ा अवेयर कीजिए, क्योंकि इंडिया में शेयर मार्केट के बारे में अवेयरनेस अभी भी मैं ये मानता हूँ कि बहुत कम है। लोग इन्वेस्ट करते हैं, पैसा डुबोते ज़्यादा हैं, और अवेयर कीजिए इंटरेस्टिंग न्यूज़ या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फोकस रखिए, इंटरेस्टिंग न्यूज़ और सारी चीज़ों से अवेयर रहिए। थोड़ा सा economicstime.com, मनी कंट्रोल, इन सारी ऐप्स को एक दो डाल लें, आपको डेली अलर्ट्स आते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसी अवेयरनेस मैं स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा फैलाना चाहता हूँ कि इंडिया के लोग जो है अवेयर हो जाए थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के बारे में, और लेटेस्ट अपडेटेड रहें चीज़ों से। और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।